हम क्लॉद मोने के बारे में पढ़ रहे हैं, और अब तक हमने ये पढ़ा कि क्लॉद मोने जो बड़े परिश्रमी चित्रकार थे और उन्होंने प्रकृति और प्रकृति के प्रति प्रेम दर्शाया, प्रकृति चित्रों को एक नवीन ढंग से पेंट किया, और उनकी जो प्रसिद्ध सीरीज श्रृंखला में उन्होंने जो कार्य किया उसमें जिरवनी के चिनार वृक्ष, सूखे घास के ढेर, हेवन, रुआ के गिरजाघर, कैथेड्रल ऑफ रुआ और घास के ढेर, वो एक श्रृंखला में कार्य करते थे। और श्रृंखला में कार्य करने के पीछे उनका जो उद्देश्य होता था वह होता था प्रकाश और वातावरण के प्रभाव को चित्रित करना। उनका मूल उद्देश्य खाली विषय को दर्शाना नहीं होता था, उनका मूल उद्देश्य होता था रंगों के माध्यम से जो वातावरण और प्रकाश का प्रभाव है वह हम अपने चित्रों में चित्रित कर पाए। जब हम विषय को चित्रित करते हैं तो हम एक विषय बनाने के उद्देश्य से या विषय को दर्शाने के उद्देश्य से हम चित्र बनाते हैं, और एक चित्र बनाकर हम उस विषय की प्रस्तुतिकरण कर देते हैं और हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं। जबकि इनका उद्देश्य, इन्होंने विषय को प्रमुखता प्रदान नहीं की, चित्रकला से विषय का महत्व कम कर दिया, और चित्रण तकनीक, प्रकाश का प्रभाव, वातावरण और जो दृश्य का चित्रकार या कलाकार की दृष्टि के ऊपर जो क्षणिक दृष्टि का जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को इन्होंने चित्रित किया, और इसी वजह से ये चित्र जो श्रृंखला में बनाते थे, एक ही स्थान को चुन लेते थे और उस स्थान के हर 2 घंटे बाद नया कैनवास लगाकर, चित्रपट लगाकर उसी स्थान को पुनः पेंट करने लग जाते थे, क्योंकि हर 1.5 से 2 घंटों में आमतौर पे जो सूरज है और वातावरण है वो दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। तो उनके लिए एक ही स्थल उनके लिए कई पेंटिंग का चित्रण विषय बन जाता था, और इसी वजह से उन्होंने अपने मनमोहक नैसर्गिक दृश्यों से अनुभूत होकर अपने चित्रण कार्य किया। और वह अपने मित्र सेजा से कहते थे कि मोने केवल एक आँख है। मोने ने यह भी कहा कि मुझे जो दिखाई देता है मैं केवल उसे चित्रित करता हूँ, और जो चित्रकला के सिद्धांत हैं मैं उनको भुला देता हूँ, और जो उनकी खुद की सौंदर्य अनुभूति है उसको वह प्रस्तुत अपने चित्रों में प्रस्तुत करते थे। मतलब जो दृश्य उनको दिखाई दे रहा था उसी को वो चित्रित करते थे, और उसमें भी दृश्य की बारीकी या केवल वस्तु आकारों को चित्रित करना ही उद्देश्य नहीं होता था, उनका उद्देश्य रंगों के माध्यम से जो वातावरण है, जो दृश्य का क्षणिक प्रभाव जो नेत्रों के ऊपर पड़ता है, जो प्रकाश की बदलती परिस्थितियां हैं और उनका प्रभाव चित्र पर पड़ता है, वह उनका उद्देश्य रहा चित्रण का। इसलिए इस पूरी इनके इनके और इनके जो समूह के अन्य सदस्य थे उनको प्रभाववादी चित्रकार कहा गया। और इनके जो बाद का एक जो वाटर लिली सीरीज है, कुमुदनी के पुष्प श्रृंखला है, जो पेरिस के ट्वेलरी बार बाग के एक छोटे से तालाब के चारों ओर प्रदर्शित की गई है, और इस श्रृंखला में
उन्होंने जो कुमुदनी के पुष्प जो वाटर लिलीज होते हैं जो उनको चित्रित किया है, और उसमें इस तरह से चित्रित किया है कि केवल हमें कुमुदनी के फूल और पत्तियां ही जो कि जल सतह पे दिखाई देती है केवल वही चित्रित किया है, और उन पत्तियों पर और फूलों पर जो प्रकाश की किरणें पड़ती थी और उनकी जो जगमगाहट होती थी उसे वह उन्होंने बड़ी बखूबी से बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया। और चूँकि वह छाया के क्षेत्र में नीले हरे बैंगनी रंगों का प्रयोग करते थे और जो प्रकाशमय जो क्षेत्र है उसमें हल्के पीले गुलाबी और अन्य चमकदार रंगों का प्रयोग करते थे, तो एक तरह से रंगों का इंद्रधनुष्य प्रस्तुतिकरण हम इनके चित्रों में मान सकते हैं। और ऐसा भी किया कि चूँकि ये रंगों को सीधा ट्यूब से निकालकर और चित्र के ऊपर धब्बों के रूप में या पैचेस के रूप में या ब्रश स्ट्रोक्स के रूप में लगाते थे, और जैसे नीले के पास पीले लगाने से हमें जो नेत्रों में एक ऑप्टिकल मिक्सचर होता है, एक दृष्टिजन्य मिश्रण हमारी आंखों में होता है, दृष्टि में ही हम जब नीला और पीला रंग पास पास लगा होता है तो हमारी आंखों पर उनका मिश्रण जो रंगों का होता है वो होता है, अगर हम नीले में पीला मिलाएं तो हरा हो जाता है, और अगर हम उनको पास पास रखें तो भी हमारे नेत्रों के ऊपर हरे रंग की छाया या उसका प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। तो इस तरह से भी ऑप्टिकल मिक्सचर का भी इन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग किया, छाया के क्षेत्र में चमकीले नीले बैंगनी हरे रंगों का प्रयोग किया, काले और भूरे के स्थान पर, तो पूरे चित्र में रंगों की चमक और प्रकाश और वातावरण का प्रभाव नज़र आता है। और जो ये वाटर लिली सीरीज थी कुमुदनी के पुष्प श्रृंखला, इस श्रृंखला में उन्होंने ऐसा दिखाया कि ना तो आकाश हमें नज़र आ रहा है ना उस वाटर लिलीज के जल सतह के ऊपर बिखरे कुमुदनी के पत्रों और पुष्पों के अतिरिक्त कहीं भूमि नज़र आती है, ना कोई व्यक्ति है ना उसके अतिरिक्त कोई वस्तु है, चारों तरफ कुमुदनी के फूल और पत्तियां नज़र आ रही हैं, पूरे बड़े बड़े कैनवासेस हैं, बड़ी बड़ी इनके चित्रों के जो साइज़ की बात करें तो बहुत बड़े आकार के ये चित्र हैं, और उसमें भी एक एक बारीकी से कमल कुमुदनी के फूल या पत्तियां बनाई हुई नहीं है, जब हम उनको दूर से पास से देखते हैं तो रंगों के धब्बे नज़र आते हैं, और जब हम एक दूरी बनाकर चित्र से दूर से उसको देखते हैं तो समग्र चित्र का जो प्रभाव उत्पन्न होता है वह वाटर लिलीज के फूल और पत्तियां नज़र आती हैं। तो बड़ी ही सुंदर एक तरह से ये श्रृंखला है, और कहीं कहीं तो उसके अंदर वस्तु निरपेक्ष चित्रण का प्रभाव उत्पन्न हो गया, और एक तरह से आधुनिक कला आकृति मूलक के स्थान पर वस्तु निरपेक्षता की ओर बढ़ती चली गई, जहाँ हम पहले के चित्रों में विषय को महत्वपूर्ण मानते थे, धर्म और राजाओं से संबंधित चित्र होते थे, फिर चित्रकार की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नज़र आने लग गई, समकालीन विषयों का चित्रण होने लगा, उनके अंदर अभिव्यंजना भावाभिव्यंजना प्रमुख हो गई, और उसके बाद यह एक ऐसा वाद या इज्म के रूप में या एक ऐसी कला के रूप में ये इन कलाकारों ने एक नया प्रभाव उत्पन्न किया या एक अपनी प्रस्तुति की कि जो विषय का महत्व भी खत्म हो गया, चित्र के अंदर किसी
अर्थसार का महत्व खत्म हो गया, आकारों का महत्व खत्म हो गया और केवल रंगों का, प्रकाश का, वातावरण का प्रभाव हमें चित्रों में दिखाई देने लगा। तो इस तरह से आकृति मूलक विषय प्रधान चित्रों के स्थान पर प्रभावादी चित्रकारों ने दृश्य के प्रभाव को अपने चित्रों में चित्रित किया और इसमें जो क्लॉद मोने थे वो एक तरह से कट्टर प्रभाववादी चित्रकार के रूप में उभरे और उन्होंने जीवन पर्यंत प्रभाववादी कला को किया, प्रस्तुत किया। और जो ये दृष्टिजन्य वर्ण मिश्रण ऑप्टिकल मिक्सचर वह भी उसका भी उन्होंने प्रयोग किया और 1926 में इनका निधन हो गया और अपने अद्भुत रचना कौशल, कला प्रतिभा तथा सतत मनोयोगपूर्ण श्रम साधना के द्वारा इन्होंने बहुत सारी चित्रकृतियों का, कलाकृतियों का निर्माण किया और आज हम उनको एक तरह से ग्रेट आर्टिस्ट या मास्टर आर्टिस्ट के रूप में जानते हैं। और हम इन कलाकारों का अध्ययन भी इसलिए करते हैं ताकि हम उनके जीवन के संघर्ष से वाकिफ हो पाएँ, जान पाएँ और उन्होंने क्या वातावरण था उस समय, कैसे उन्होंने अपनी चित्रण शैली में परिवर्तन किया विषयों के आधार पर, तकनीक के आधार पर और अपनी पहचान बनाई और जीवन के संघर्ष से उभर कर एक कलाकार के रूप में उभर निकल कर आए। तो आगे के लेक्चर्स में हम और अन्य कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे।